कि आप उनकी बात सुनते हैं, हमको देखते हैं, तो आप नाव क्यों उलटते हैं, उनकी अकल क्यों नहीं उलट देते हैं? आपके लिए है? नाव क्यों उलटो, उनकी बुद्धि उलट दो। तो महाराज ये जो प्रेमी होते हैं वो प्रत्येक बोली में प्रेम ही समझते हैं, और जब बोलते हैं वो तो जो भीतर रहता है ना वही तो निकलता है। ये जो लोग हुक्का पीते हैं उनको मालूम होगा कि हुक्के की नली में से जो वो हवा निकलती है ना, धुआं, तो वो नली में बैठ जाता है, वो किट बैठ जाती है, तो उसको हफ्ते में, दो हफ्ते में, कहीं कहीं तो रोज रोज उसको साफ करना पड़ता है। अब उसमें से जो धुआं निकलती है, हवा धुआं निकलता है, हवा निकलती है, उसमें दुर्गंध होती है ना, क्योंकि अब दुर्गंधित जगह में से जब हवा निकलेगी तो उसमें दुर्गंध होगी। इसी प्रकार जिनके हृदय में वासना भरी रहती है ना, वासना भरी रहती है, वो बोलते हैं तो उनकी बोली में से वासना निकलती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में से एक प्रकार की हवा निकलती है, तन्मात्रा निकलती है, कोई अपने को छिपा के थोड़ी रह सकता है। जब क्रोध आता है तमाक लाल हो जाती है, और काम आ जाता है तो चेहरा बदल जाता है, आंख बदल जाती है, और जब खाने का मन होता है तो जीभ पर पानी आ जाता है, कैसा भाव का असर पड़ता है। इसी तरह से मन में जब प्रेम भाव उमड़ता है, जब प्रेम भाव उमड़ता है तो पांव से लेकर के सिर तक समूचे शरीर में प्रेम की तन्मात्रा भर जाती है, रग रग में, रोम रोम में, एक एक कण में प्रेम भर जाता है। उसमें से होकर के जब वाणी गुजरती है, प्रेम के समुद्र में स्नान करके जब वाणी निकलती है, तो वो वाणी प्रेम से भरी हुई होती है। प्रेम की गंगा में स्नान करके, प्रेम के समुद्र में स्नान करके, ये प्रेम भी तो समुद्र है ना, अमृत है, अमृत का समुद्र है। डूबा प्रेम सिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा। एक बार जो प्रेम के समुद्र में डूब गया, वो चाहे कि अब हम प्रेम के समुद्र में से निकल जाएं, बोले भाई हमारे तो पकड़ना तो आता है, छोड़ना नहीं आता। प्रेम में पकड़ है, प्रेम में छोड़ना नहीं है। यही एक विवस्था, यही एक विवस्था भगवान को है कि उनको पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता। प्रेम, प्रेम माने आकर्षण, बुलाना, प्रेम माने स्नेह। प्रेम वो चीज है जो दिल को, जीवन को स्निग्ध कर दे, मक्खन की तरह चिकना बना दे, चिकना, उसका नाम प्रेम है। प्रेम स्नेह है, बोला, प्रेम गंगा की धारा है, वो जीवन को पवित्र कर देता है। प्रेम अमृत है, वो प्रेमी को अमर बना देता है। प्रेम रसायन है, वो संपूर्ण रोगों को दूर कर देता है। कहिए प्रेम महाराज, जिसके हृदय में प्रेम बस जाता है, उसकी प्रत्येक चेष्टा में, चाल में प्रेम, बोल में प्रेम, छूने में प्रेम, हंसने में प्रेम, देखने में प्रेम, उसके जीवन में प्रेम की तन्मात्रा उछलती है। और तदेव शरणोति, वो दूसरे की वाणी को प्रेम के रूप में सुनता है, अपनी वाणी उसकी प्रेम के रूप में निकलती है। कोई कुछ भी कहे, उसके कान में जो चीज घुसती है उस पर, जैसे ये मिठाई बनाते हैं ना, चाशनी, क्या बोलते हैं, चाशनी तो बोलते हैं, रसगुल्ले को, जलेबी को कहाँ डालते हैं, चाशनी में डालते हैं, है ना। तो उसके शरीर में जो प्रेम की चाशनी है ना, बाहर से कोई चीज उसके कान में डालो, कान के भीतर जाते ही मीठी हो गई। उसके मुंह में से कोई बात निकली और मीठी होकर निकली। उसके हाथ से कोई क्रिया हुई, मीठी हो गई। वो चला, उसका चलना मीठा हो गया। तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। प्रेम का ही तदेव, ये जो है ना, उसका अर्थ ही, माने प्रेम के सिवाय और चीज देखता नहीं,
प्रेम के सिवाय और बात सुनता नहीं, प्रेम के सिवाय और बात बोलता नहीं, प्रेम के सिवाय और कोई बात चिंतन में लाता नहीं। एक ही रंग रंगो यह डोरो। ठाकुर की का एक रवैया है, एक ही रंग रंगो यह डोरो, ये सूत एक ही रंग में रंगा हुआ है। ठाकुर चित्त की वृत्ति यही। उसने अंत में कहा है, बावरी वह अखियां जल जाए जो सावरो छाड़ी निहारती गोरो, कभी बावरी अखियां वे पगली आंखें जल जाए जो सावरे प्राण सलोने, सावरे सलोने प्राण प्यारे नंद नंदन श्याम सुंदर को छोड़ करके दूसरे को देखती हैं। वो कहते धोखे दूसरों नाम कढ़े रतना मुख कारी हलाहल बोरो, अगर धोखे से भी दूसरे का नाम निकले तो जीभ को निकाल करके मुंह में से जार में डुबो दूं, अगर धोखे से भी दूसरा नाम निकल जाए तो। जिन आखिन में यह रूप बसो उन आखिन से अब देखिएगा, जिन आंखों में श्याम सुंदर का ये प्रेम रूप बस गया उन आंखों से अब देखना क्या। तो प्रेमी का जो चित्त है उसका चिंतन क्या, तदेव चिंतयति। तो चिंतयति में चार विभाग होता है, वो चिंतयति के चार हिस्से होते हैं। एक तो संकल्प होना है, तो भाई चले ये संकल्प हुआ, कहाँ चले तो सजनी चल उस देश में, सजनी उस देश में चलो जहाँ अपने प्यारे मिलते हैं, उस देश में जहाँ जाने से वे मिलते हो वहाँ चलो, ये संकल्प हुआ। कभी वृंदावन चलना है कभी वृंदावन चलो, ये मन की स्थिति हुई। कब राधा वल्लभ में चले कि राधा रमण में चले, ये विकल्प हो गया ना मन में, ये चित्त की स्थिति हुई, ये भी चिंतन है वहाँ। लेकिन दोनों कृष्ण ही है बोला, दोनों प्यारे ही है, दोनों प्रेम ही है उनके पास, वाह राधा रमण की बातें भी आ रही कि राधा वल्लभ। उसके मन में यदि दुविधा भी है तो भगवान को लेकर के ही दुविधा है, उनसे सवेरे मिले कि दोपहर मिले कि शाम मिले, है ना, उन्हीं के बारे में तो दुविधा है ना। संकल्प है तो उन्हीं के बारे में, दुविधा है तो उन्हीं के बारे में बोला। और अब अकल लड़ाई है, युक्ति सोचनी है, युक्ति निकालनी है, बुद्धि से काम लेना है, तो बुद्धि काहे के लिए, कौनी के लिए। और जब कभी अहंकार आता है तो क्या बोले, हम उनके हैं। ये चिंतयती में संकल्प विकल्प विचार और अहंक्रिया, ये चारों जो प्रेमी के जीवन में होती है अपने प्यारे से संबंध रखने वाली, प्रेम से संबंध रखने वाली होती है। अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अभिमान रहे, लेकिन ये अभिमान रहे कि हम उनके हैं और वे हमारे हैं, ये कहते हैं। तीन पद्धति होती है, हम उसके हैं, इसमें अपना प्यारा कहीं छिपा हुआ है, आपके सामने नहीं है। बोले हम तुम्हारे हैं, इसमें प्यारा सामने है और अपने को उसका बना रहे हैं। और तीसरा तुम मेरे हो, बोला तुम मेरे हो, इसमें प्रियतम पर ही स्वत्व की स्थापना है। इसको तीन शब्द बोलते हैं, तदीयता त्वदीयता और मदीयता। हो मैं तुम्हारा हूं, इसमें समर्पण है, और तुम मेरे हो इसमें स्वत्व है। श्री राधा रानी श्याम सुंदर पर एक दिन बहुत रोष हुई, बहुत नाराज हुई, सखी नंदलाल ना आवन पावे, तो सखी तोरा बैठा दो हमारे घर में नहीं आने पावे। तो क्यों, तो वो हमारा होकर के दूसरे की ओर देखता है, हमारा होकर दूसरे की ओर जाता है, हमारा है, उस पर हमारा स्वत्व है, जहां हम बैठानेंगे वहां बैठना पड़ेगा, जहां जो हम खिलावेंगे वो खाना पड़ेगा, जब नचावेंगे जब नाचना पड़ेगा, हमारा है, हम भी कुछ है, ये कोई बात है। तो ये स्वत्व और मैं तुम एक, बोला प्रेम में प्रेम का स्वरूप है
दो को एक कर देना, अलग अलग को मिला देना, पर्दे वाले को बेपरक कर देना, ये जो है ये प्रेम का स्वरूप है। मैं उसका, मैं तुम्हारा, तुम मेरे और तुम मैं एक। सामरस्य में प्रीति परिपूर्ण होती है, एकांगी प्रेम में पूर्ण सुख का उदय नहीं होता, क्योंकि उसमें एक ही हृदय में सारी भावनाएं होती हैं। और जब दोनों हृदय में प्रेम होता है तब प्रीति परिपूर्ण होती है। इसलिए बोलते हैं राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो परिपूर्ण है, क्यों? दोनों के हृदय में दोनों के प्रति अनन्य प्रेम है। तो ये प्रीति की रीति, ये अपने प्रियतम के सिवाय उसमें दूसरे का चिंतन ही नहीं है। अब आगे का जो प्रसंग है, प्रार्थ्यं मम बहुमतं जन्म जन्मांतरेति त्वत्पादाम्भोर्भयुगगता निश्चला भक्तिरस्तु। लक्षणा भक्ति का निरूपण किया, प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है, वो मूक के आस्वादन के समान है, किसी पात्र में प्रकाशित होता है और गुण दृष्टि से नहीं होता है, और प्रेमी के हृदय में कामना नहीं होती है। प्रियतम में तो गुणों की खोज नहीं करनी पड़ती, नैसर्गिक सहज स्वाभाविक होता है, और प्रेमी में कामना नहीं होती है, और प्रतिक्षण वर्धन हम प्रतिक्षण बढ़ता है, गंगा जी की धारा के समान, और कभी टूटता नहीं है, और अत्यंत सूक्ष्म होता है, और अनुभव ही उसका स्वरूप है। जिसको इस प्रेम की प्राप्ति हो जाती है उसको फिर जैसे आंख वाले को आंख से रूप ही रूप दिखता है, इसी प्रकार प्रेमी को सर्वत्र प्रेम ही प्रेम दिखता है, प्रेम ही सुनाई पड़ता है, प्रेम ही बोलता है, और प्रेम का ही चिंतन करता है। उनका अभिप्राय यह है कि वो प्रेम रूप हो जाता है। कुल का अभिप्राय यही हुआ कि प्रियतम भी प्रेम रूप और प्रेमी भी प्रेम रूप, प्रेम का एक विशाल अमृतमय समुद्र, उसमें प्रेमी और प्रियतम, राधा और कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, गौरी शंकर,
दो लहर की तरह उस प्रेम के अनंत महासमुद्र में उठते हैं, आपस में मिलके एक हो जाते हैं, दाएं वाला बाएं और बाएं वाला दाएं, अनंत क्रीड़ा, अनादि अनंत क्रीड़ा होती रहती है इस प्रकार प्रेम के समुद्र में। क्षण क्षण नवीन राधा नवीन कृष्ण, प्रतिक्षण नवीन मिलन, प्रतिक्षण में श्री राधा रानी प्रथम समागम लज्जिता है। गीत गोविंद में इस शब्द का प्रयोग किया हुआ है राधा रानी के लिए। प्रथम समागम लज्जितया पटु चाटु शतई रनुकूलम। क्षण क्षण जब राधा कृष्ण मिलते हैं तो यही मालूम होता है नए नए मिले हैं। पूछते हैं तुम किस गांव की गोरी हो है? और वो पूछती हैं कि तुम किस गांव के सांवरे हो। प्रतिक्षण नवीन मिलन, नवीन परिचय, और नवीन नवीन लावण्य, नवीन नवीन माधुर्य। न आदि न अंत विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। ब्रजवासी लोग कहते हैं कि न आदि न अंत विलास करें दो, अनादि काल से अनंत काल पर्यंत अर्थात नित्य राधा कृष्ण दोनों विलाप करते हैं। विहार तो हो रहा है नित्य, परंतु लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, श्री कृष्ण और राधिका में पहचान नहीं हुई। आगे पीछे की याद कौन करे? तो पहले हम कभी मिले थे, भूत की स्मृति में वर्तमान को खो देना ये कोई बुद्धिमानी की बात है? हमको कल क्या हुआ था उसकी याद करने लगे और आज का मजा ही चला गया। तो भूत की स्मृति में वर्तमान को खो देना विलास करें दो, लाल प्रिया में भई न चिन्हारी, क्षण क्षण में नवीन, ये सौंदर्य का स्वरूप है, हो रमणीयता का स्वरूप है। क्षणे क्षणे यन नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। सौंदर्य का रूप ही ये है कि देखते जाओ देखते जाओ, क्षण क्षण में नवीन छवि छलकती है। नवीन लावण्य, नवीन लावण्य हो, ललित ललित लावण्य, लावण्य माने सलोना हो, लावण्य जिसमें होता है ना उसको सलोना बोलते हैं। ये सांवरा अमृत, श्याम अमृत, जैसे किसी शीशी में श्याम वर्ण का अमृत भर दिया गया हो ना, और वो भीतर खूब हिलता हो चलता हो डोलता हो, नई नई छवि, नया नया सलोनापन, चटपट सलोनापन माने चटपटापन, जैसे चाट देख करके जीभ पर पानी आ जाता है ना खाने के लिए, वैसे जिसके सौंदर्य को देख करके आंख में प्यास लग जाए, भोजन देख के जीभ में प्यास लगती है, पानी देख करके अमृत देख करके जीभ में प्यास लगती है, जिस रूप को देख करके आंख में प्यास लगे। भागवत में वर्णन है दिदृक्षित दृशो व्यगमन समेता, दिदृक्षिता दृश याता, उनकी आंखों में देखने की प्यास है, लोगों के गले में पानी पीने की प्यास लगती है, मुंह सूखता है वो पानी के बिना, और गोपियों की आंख सूखती है दर्शन के बिना, गोपियों की आंख में दर्शन की प्यास है, मेरी अखियां प्यासी हो, ऐसे बोलते हैं, मेरी अखियां प्यासी हो, आंखें प्यासी हैं,
और ऐसी प्यासी कि अंतो नास्ति पिपासाया, इस प्यास का कहीं अंत नहीं है, अंत नहीं है ऐसी प्यास। जन्म अवधि हम रूप निहारेनो नैन ना तृपित भैल। जन्म से लेकर के अब तक मैं उनकी रूप माधुरी का अमृत पीती रही, परंतु आंखें तृप्त नहीं हुई। ये प्रेमामृत की विशेषता है कि पीते जाओ न प्यास घटेगी न तृप्ति होगी न उबोगे। ये प्रतिक्षण नव 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 नवायमान इसको बोलते हैं। तो ये प्रीति की रीति सूरदास जी ने इसका वर्णन किया है, सदा एक रस एक अखंडित आदि अनादि अनूप, कोटि कलप बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। सदा एक रस, परिणामी नहीं कहना, भिकारी नहीं कहना हो, सदा एक रस और एक अखंडित आदि अनादि अनूप। आदि माने सबका कारण है और अनादि माने उसका कोई कारण नहीं है। आदि माने सबका कारण और अनादि माने उसका कोई कारण नहीं। आदि अनादि अनूप, जो पकड़ में आ जाए उसको आदि बोलते हैं और जो पकड़ में ना आवे उसको अनादि बोलते हैं। ये वैष्णव ने आदि अनादि शब्द का बड़ा विचित्र अर्थ किया है। एक लघु भागवतामृत ग्रंथ है, उसमें अनादि राजर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये बृहद ब्रह्म संहिता के इस श्लोक का जहां अर्थ किया है, अनादि राजर गोविंद सर्व कारण कारणम। अरे कभी भुजपास में बढ़ जाते हैं और कभी बिछल जाते हैं, सरक जाते हैं, कभी भुजपास में आए और कभी निकल गए। आदि अनादि अनूप अनुपम है, इनकी उपमा सृष्टि में और कहीं नहीं है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, इनके इनका प्रतिमान सृष्टि में दूसरा है नहीं। कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। कोटि कल्प कब बीत गया इसको जानते ही नहीं, माने काल से जो देरी आती है, काल परिच्छेद जो है ना, वो मिलन में जो विलंब हो गए, देरी हो गए, दूरी आती है देश परिच्छेद में और देरी आती है काल परिच्छेद में, तो न वहां देरी है न दूरी है, न वहां देरी है न दूरी है। बोले तत्व दो है, तत्व भी दो नहीं है, अखंडित है दोनों। कहिए कोई कर्म मूलक आकार का निर्माण है क्या? नहीं, कर्म मूलक भी नहीं है। कहता तो प्रकृति का स्वभाव है क्या? नहीं, स्वभाव भी नहीं है, वहां प्रकृति नहीं है। तब गुणों का सम्मिश्रण है क्या? ना, ये तो भगवान की आह्लादिनी शक्ति का नहीं, आह्लाद स्वरूप का। शक्ति और शक्तिमान, तो शक्ति तो कार्यगम्य होती है। ये जो आह्लाद है भगवान में, ये कार्यगम्य आह्लाद नहीं है, स्वरूप भूत आह्लाद है। और इस स्वरूप भूत आह्लाद का सहज प्रकाश, सहज विकास, सहज विलास, ये मधुमय रसमय लास्यमय, ये भगवान की लीला, ये भगवान की क्रीड़ा। कोटि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत जुगल स्वरूप। ब्रह्मणि ब्रह्म जम्बत है, ये ब्रह्म में ब्रह्म का विलास है, माया में ब्रह्म का विलास नहीं है, प्रकृति में ब्रह्म का विलास नहीं है, पंचभूतों में ब्रह्म का विलास नहीं है, ब्रह्म में ब्रह्म का विलास है। ब्रह्मणि ब्रह्म जम्बत है, ये जो भगवान की चिन्मयी लीला, सनमयी लीला, रसमयी लीला,
मधुमयी आनंदमयी लास्यमयी, ये भगवान की लीला, ये प्रेम के दो रूप हैं। प्रेम का स्वरूप एक है और ये रूप जो है प्रेम का, एक रूप राधा और एक रूप कृष्ण, और एकांगीपना बिल्कुल नहीं है, ये बात कही गई हो। प्रेम में जहां एकांगीपना होता है, एकांगीपना आप जानते हैं, एक तो प्रेम करे दूसरा न करे, इसको एकांगी प्रेम बोलते हैं। जैसे चकोर चंद्रमा से करता है, चंद्रमा चकोर से प्रेम नहीं करता, चकोर चंद्रमा से करता है, तो बोले आधा ही प्रेम हुआ ना, प्रेमी और प्रीतम में से एक अधूरा जो है वो प्रेम में तड़पड़ा रहा है। तो चातक का में जल बिंदु से प्रेम है, स्वाति बिंदु से प्रेम है, पर स्वाति बिंदु का चातक से प्रेम है कि नहीं? कुमुदिनी का चंद्रमा से प्रेम है, पर क्या चंद्रमा का कुमुदिनी से प्रेम है? बोले प्रेम एकांगी होके पूर्ण नहीं होता, रस का उल्लास पूर्ण नहीं होता। जब दोनों ओर से प्रेम होता है ना, ये राधा कृष्ण के प्रेम को, राधा कृष्ण के प्रेम को संपूर्ण प्रेम कहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति श्री राधा रानी के हृदय में जितना प्रेम है उससे अधिक कृष्ण के हृदय में है, और कृष्ण के हृदय में जितना है उससे अधिक राधा के हृदय में है, और दोनों में जब होड़ लगी कि देखें प्रेम में कौन बढ़ता है, तो प्रतिक्षण वर्धमान हो गया है ना। दोनों के जीवन में जब होड़ लगी, हृदय में होड़ लगी, देखें प्रेम में कौन आगे है, अब उनका प्रेम भी बढ़ता जा रहा, उनका प्रेम भी बढ़ता जा रहा। सारस का प्रेम केवल संयोग का प्रेम है, चक्रवास का प्रेम केवल वियोग का प्रेम है, वो उधर रो रहे ये इधर हंस रहे। चक्रवात में संयोग का प्रेम नहीं और सारस में वियोग का प्रेम नहीं, और संयोग से जो घटे या बढ़े, संयोग से प्रेम कभी घटता भी है, उब जाती है तभी है, तो है ना पुराना पड़ जाता है, बासी पड़ जाता है, तो बोले नहीं संयोग से जो घट जाए तो भी सच्चा प्रेम नहीं, और संयोग से जो बढ़ जाए तो भी सच्चा प्रेम नहीं, और वियोग से जो घट जाए वो भी सच्चा प्रेम नहीं, और वियोग से जो बढ़ जाए वो भी सच्चा प्रेम नहीं। क्यों? बोले संयोग और वियोग ये देश की उपाधि से होते हैं, ये काल की उपाधि से होते हैं। प्रीतम एक देश में और प्रेमी एक देश में, मिलने का काल दूर है, दोनों दो जगह तड़प रहे हैं। बोले नहीं नहीं, प्रेम वो है जो दोनों के हृदय को, दोनों के हृदय को रसीला बना करके प्रेमी के हृदय को प्रियतममय और प्रियतम के हृदय को प्रेमीमय बना रहा है। कैसे? आप देखना, तो प्रेमी के मन में तरंग उठती है कि चलो प्रीतम से मिले, और प्रीतम से मिलने के भाव में प्रेमी का हृदय प्रियतमाकार हो गया, और प्रियतम ने सोचा कि अरे ये हमारा चिंतन करते करते तो हमारा आकार धारण कर गया है ना, तो प्रियतम प्रेमी का ध्यान करने लगा और प्रियतम प्रेमी हो गया हो, इस तरह से क्षण क्षण प्रेमी प्रियतम और प्रियतम प्रेमी। वर्णन आया है, वर्णन आया है लीला में, लीला के प्रसंग में। एक दिन श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार एकांत में विराजमान, उसमें भी कई स्तर मानते हैं वो, ये ब्रज भूमि की लीला को तो ब्रज का अवतार मानते हैं, ये ब्रज भूमि जो है ये तो अवतार लीला है, जो भगवान का नित्य लीला धाम है उसमें वृंदावन, तो वृंदावन में वात्सल्य लीला का मंडल, रक्ष लीला का मंडल, वात्सल्य लीला केवल ग्राम में है और रक्ष लीला ग्राम और घर दोनों में है, और माधुर्य लीला ग्राम में भी है, वन में भी है और कुंज में भी है। कुंज में
कुंज में भी अष्ट सखियों की उपस्थिति, केवल जुगल सरकार की उपस्थिति, कुंज लीला, निकुंज लीला, फिर निवृत्त निकुंज लीला, ऐसे उसका विभाग करते हैं। अरे वो तो वृंदावन का निरूपण ही ऐसे ढंग से करते हैं। अब कोई वेदांती सुने ना, आश्चर्य हो जाए उसको। स्थूलम सूक्ष्मम कारणम ब्रह्म तुर्यम वैकुंठाख्यो द्वारका जन्मभूमि कृष्णस्याथो गोष्ठ वृंदावनम तन मध्ये चेयम कुंजवासी चकास्ति। ये स्थूल सृष्टि, इसके बाद सूक्ष्म सृष्टि, इसके बाद कारण सृष्टि, और इसके बाद तुरीय ब्रह्म। बोले बोध हो जाने दो तुरीय ब्रह्म का। तुरीय ब्रह्म का बोध हो जाने से ब्रह्म से जो अन्य उसका बाध हो गया। तो वैकुंठाख्यो द्वारका जन्मभूमि, तो जो कारण था सो वैकुंठ हो गया, जो सूक्ष्म था सो द्वारका हो गया, और जो स्थूल था सो ब्रज हो गया। अब क्योंकि ये स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों बाधित है, इसलिए तीनों ब्रह्म रूप है। जिसको पहले स्थूल कहकर के तिरस्कार करते थे, सूक्ष्म कहकर तिरस्कार करते थे, कारण कहकर तिरस्कार करते थे कि तुरीय ब्रह्म की प्रतिपत्ति होनी चाहिए, उसका साक्षात्कार होना चाहिए, उसका साक्षात्कार होने के बाद वही कारण, वही सूक्ष्म, वही स्थूल तिरस्कार ये नहीं रहा, ब्रह्म स्वरूप हो गया। अभ्यस्त अधिष्ठान से बिल्कुल पृथक नहीं, और जो के त्यों प्रतीत हो रहे, कारण वैकुंठ है, सूक्ष्म द्वारका है, और जन्मभूमि ब्रज है। अब कृष्ण स्यासो गोष्ठ वृंदावनम तत, इस ब्रज भूमि में जो ब्रह्म का प्रकाश है, परमात्मा का प्रकाश है वृंदावन में, जैसे हृदय की उपाधि से, जैसे मनुष्य के शरीर में सर्वत्र आत्मा होने पर भी हृदय में विशेष है, क्योंकि हृदय में ग्रहण की योग्यता अधिक है। अब उस वृंदावन में कुंज, कुंज में निकुंज, निकुंज में निवृत्त निकुंज, निवृत्त निकुंज में राधा कृष्ण जुगल सरकार विहार कर रहे, और ऐसा विहार कर रहे जहां मान विरह भ्रम कौन ले सजा, जहां मान नहीं, विरह नहीं और भ्रम नहीं। देखो भ्रम एक काल में होता है और एक काल में नहीं होता है, और विरह एक देश में प्रीतम हो और प्रेमी न हो तब होता है, और मान का मान जब एक विषय में अहम होता है, ये मैं हूं ये नहीं है, तो वहां देश काल और विषय का भेद नहीं होने के कारण विरह मान भ्रम को न ले जा। अब निकुंज की बात करते हैं। निकुंज में श्री राधा कृष्ण जुगल सरकार विराजमान। तो सांस में से क्या आवाज निकले, राधे 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 राधे, रोम रोम में से राधे राधे राधे। जब तक सावधान रहते हैं तब तक दबाए रखते हैं, जब असावधान हो जाते हैं तो दबता नहीं है। जो ध्वनि होने लगी, मैंने एक ऐसा भक्त देखा हो, अपने घर पर एक दिन सोए हुए थे, एक भगत जी आए हुए थे, तो हम लोग एक ही चारपाई पर सो गए। अब सो गए तो जब उनकी सांस बढ़ी, अरे ऐसा भगवान नाम निकले सांस में से, मुंह से वैसे कभी नहीं लेता था, हमने कभी देखा नहीं, वैसे जागृत अवस्था में नाम लेते नहीं देखा, जब सो गया और सांस बढ़ी तब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सांस के साथ
वो महाराज ध्वनि बांध करके राग के साथ ताल के साथ, ये विचित्र जिसका अभ्यास हो जाता है, जिसका अभ्यास हो जाता है उसके रोम रोम से भगवान का नाम निकलता है। एक प्रसंग है कि एक बार महाराज बड़े बड़े देवता लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आए थे। अब जो जाए सोई जा करके वहां मोहित हो जाए श्री कृष्ण के शरीर में से तो राधा नाम की ध्वनि संगीत दिव्य संगीत निकल रहा। राधा रानी ने देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि प्रियतम के हृदय में मेरे प्रति इतना प्रेम कि वो रग रग में रोम रोम में व्याप्त हो गया और श्वास श्वास में मेरा नाम निकल रहा। ये प्रेम देख करके उनका हृदय ऐसा भरा कि वे बोलने लगी कृष्ण 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 और कृष्ण कृष्ण बोल करके वो बेहोश होके गिर पड़े। जब कृष्ण कृष्ण ध्वनि हुई और बेहोश होके गिरी तो श्याम सुंदर को चेतना आ गई। होश में आए तो क्या देखते हैं कि प्रिया जी के रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा है और वो बेहोश पड़ी है। बोले अरे इतना प्रेम, राधे 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 जोर से चिल्लाए और वो भी बेहोश होके गिरे। तो प्रिया जी राधे राधे सुन के होश में आ गई। देखती है तो फिर वही दशा। अब ऐसे बार बार वो होश में आवे और फिर बेहोश वो बेहोश हो और वो होश में आवे तो वो बेहोश हो। घंटों बीत गया। ललिता सखी बाहर, उसने कहा ये क्या हुआ आज है, बस राधे राधे कृष्ण कृष्ण यही आवाज सुनाई पड़ रही, ये दोनों कर क्या रहे। जाके देखा अंक स्थित दईते किमपि प्रलापम, गोद में प्रीतम और मुंह से हो रहा प्रलाप, हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण हाँ कृष्ण। थोड़ी देर के बाद हाँ राधे हाँ राधे हाँ राधे। बोले अरे ये संजोग में ये वियोग की संवित्ति, ये वियोग का संवेदन कैसा। तो महाराज ये संजोग में भी वियोग और वियोग में भी संजोग बना देने वाला ये प्रेम है। देश की दूरी से ये घटता बढ़ता नहीं, काल की देरी से ये घटता बढ़ता नहीं। परिच्छिन्न शरीर को लेकर के इसमें अभिमान की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो मसाला एक है, शरीर का उपादान है एक प्रेम, उसका नाम है आनंद, उसका नाम है आह्लाद। आह्लाद स्वरूप दोनों के शरीर का मसाला है एक, और उसमें आकृति कभी बनती है प्रेमावेश में। प्रेमावेश में कृष्ण राधा आकृति हो जाते हैं और राधा कृष्णाकृति हो जाती है, क्योंकि तत्व तो एक ही है। भाव से ही गोरापन और भाव से ही कालापन, ये गोरापन और कालापन ये रंग कोई प्राकृत नहीं है, ये भाव की अभिव्यक्ति है। ये श्यामता जो है ये भाव की अभिव्यक्ति है, ये पीतिमा जो है ये भाव की अभिव्यक्ति है। तो असल में दोनों में रस एक, तत्व एक, वस्तु एक, ऐसा ये प्रेम स्वरूप। इसलिए जिसको प्रेम की उपलब्धि होती है, जिसको प्रेम मिलता है, सचमुच जिसको प्रेम मिल जाता है, उसको सारस वाला केवल संयोगकालीन प्रेम नहीं, उसको चक्रवात वाला केवल वियोगकालीन प्रेम नहीं, और उसको एकांगी नहीं कि चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, बिना दोनों का प्रेम एक में मिले, प्रेम का सामरस्य, प्रेम का सामंजस्य, प्रेम का सामरस्य, प्रेम का ऐकरस्य हो, एक रसता प्रेम की, दोनों के मिलकर एक हुए बिना होती नहीं। इसीलिए जिस प्रेमी को प्रेम तत्व का साक्षात्कार होता है उसके लिए तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति तदेव श्रृणोति, जैसे ब्रह्मज्ञानी के लिए वर्णन आता है यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समादया, देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति, जहां जहां मन जाता है वही परमात्मा है। बोले जैसे जिज्ञासु लोग मुमुक्षु लोग निधिध्यासन करते हैं, यद यत पश्यति चक्षुर्भ्याम
तत्त आत्मे की भाव एक, आंख से जो देखते हैं सो आत्मा, जब जब क्षणों की करणाभियाम तत्त आत्मे की भाव एक, जो कान से सुनते हैं सो आत्मा है, जो आंख से देखते हैं सो आत्मा है, जो त्वचा से छूते हैं सो आत्मा है। ये उपनिषदों में निधिध्यासन की ये प्रत्याहार के नाम से, प्रत्याहार के नाम से एक प्रणाली दी हुई है कि जो हम नाक से सूंघते हैं सो ब्रह्म, जो त्वचा से छूते हैं सो ब्रह्म, जो रसना से रस लेते हैं सो ब्रह्म। इसको यूं कहो कि प्रेमी जो देखता है सो प्रेम ही प्रेम। तो तत्प्राप्य का ऐसा भी अर्थ करते हैं, तत् प्रेम प्राप्य तमेवावलोकयति, तदेव नहीं तमेव ऐसा पाठ हो, तमेव अवलोकयति तमेव श्रेणोति। जब प्रेम मिल जाता है तब अपने प्रियतम प्रियतम को ही देखता है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, प्रियतम के सिवाय, प्रियतम के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं। बोले अच्छी अच्छी जगह दिखता होगा और बुरी बुरी जगह तो नहीं दिखता होगा? बोले नहीं बाबा, वो अच्छी बुरी जगह नहीं होती, आंख होती है। बोला जिसकी अच्छी दृष्टि है उसको सब जगह अच्छा है, और जिसकी दृष्टि बुरी है उसको सब जगह बुरा है। पापी सर्वत्र पापमाशंकते, पापी सब जगह पाप की आशंका करता है, पुण्य आत्मा को सब पुण्य आत्मा दिखता है, और जो प्रेमी है उसको सब जगह अपना प्रियतम दिखता है। नारायणमयम धीरा पश्यन्ति परमार्थतः, परमात्मा पर दृष्टि है उसकी। तो तमेव अवलोकयति, जहां दृष्टि पड़ती है जित देखो तित श्याममयी है। ब्रज में गाते हैं, जहां देखते हैं वह श्याम ही श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम है, ये देखो श्याम, तो श्याम ही श्याम। ब्रज में ऐसे लीला करते हैं ना, तो ऐसे गाते हैं, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, ये देखो श्याम, श्याम ही श्याम, जित देखो तित श्याममयी है, जहां देखो वहां श्याम ही श्याम है। क्यों? तो आंख की पुतली ही श्याममयी हो गई ना, आंख की पुतली श्याममयी हो गई, इसलिए श्याम दिखता है। उद्धव जी एक गोपी के पास गए, बोले हरी गोपी तू अपना मन शांत कर, योगाभ्यास कर, ईश्वर की आराधना कर, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु की आराधना कर। बोले उद्धव मन न भय दस बीस, एक हुतौ सो गयो श्याम सन को आराधे ईस। और दूसरी गोपी के पास गए, बोले हरी गोपी कुछ प्रत्याहार धारणा ध्यान कर, क्या दिन भर कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बोले ही में रहो ना ही न छोर, अब हृदय में जगह ही नहीं है। एक से बोले कि अरे श्याम चले गए, बड़ी दुखी है गोपी। बोले जित देखो तित श्याममयी है, एक को बाहर सब जगह श्याम दिख रहे हैं, एक के को हृदय में श्याम दिख रहे हैं, एक का मन ही श्याम के पास चला गया है। अरे भाई गोपी के लिए, गोपी के लिए श्याम के सिवाय और दूसरी कोई वस्तु, और कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। तो तमेवावलोकयति, जहां देखता है वही परमात्मा को। एक बार का वर्णन है, श्री कृष्ण भगवान ब्रज में श्री गिरिराज की उपत्यका पर एक छोटी चट्टान उस पर बैठ गए, और बैठ करके महाराज जो राधे राधे शुरू किया तो आंख बंद हो गई। आंख बंद होने के बाद ध्यानस्थ हो गए, लेकिन राधे 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 की ध्वनि बंद गई। जब थोड़ी देर के बाद दृष्टि खुली तो क्या देखते हैं? ठीक वैसा ही वर्णन है वो, जैसा उपनिषदों में ब्रह्म दृष्टि का वर्णन है ना, ब्रह्मै वेदम विश्ववेदम वरिष्ठम आदि जो मंत्र है ना, स एवेदम अमृतम पुरस्तात्, आत्मै वेदम अमृतम पुरस्तात्, अहम एवेदम अमृतम पुरस्तात्, जैसे वेद के मंत्र है, राधा पुरस्फुरति पश्चिमतश्च राधा, राधाधि सव्यमिह
दक्षिणतश्च राधा, राधा खलु क्षितितले गगने च राधा, राधा मई मम बभूव कुतस्त्र लोकी। आगे राधा, पीछे राधा, बाएं राधा, दाएं राधा, सामने राधा, ऊपर राधा, ये क्या हुआ? राधा तो एक ही है, आज सारी त्रिलोकी में मुझे राधा ही राधा क्यों देख रही दिख रही है? ये प्रेम का विलास है। तत्प्राप्य तमेवावलोकयति तमेव श्रृणोति, जो आवाज कान में पड़ती है यही मालूम पड़ता है वही बोल रहा है। चिड़िया की आवाज में भी उसी की आवाज, पशु की आवाज में भी उसी की आवाज, पत्तों की खड़खड़ाहट में भी उसी की आवाज, तमेव श्रृणोति। जयदेव जी ने एक वर्णन किया है गीत गोविंद में, पतति पतत्रे विचलति पत्रे, पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। पतति पतत्रे, जब चिड़िया उड़ती है, विचलति पत्रे, जब पत्ते खड़कते हैं, शंकित भवदुपयानम, उसको ऐसा मालूम पड़ता है ये उन्हीं चरणों की ध्वनि है, वह पगध्वनि मेरी पहचानी है ना, मैं श्री कृष्ण के चरणों की ध्वनि पहचानती हूँ, ये चिड़िया के उड़ने की आवाज नहीं है, उनके चरणों की ध्वनि है, ये पत्ते की खड़खड़ाहट नहीं है, ये तो उनके चरणों की ध्वनि है, ये बांस कीचक की आवाज नहीं है, बंसक ध्वनि नहीं है, ये तो वंशी ध्वनि है, मैं पहचानती हूँ। रचयति शयनम, सेज बनाती है, सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम, चकित दृष्टि से तुम्हारे मार्ग की ओर देखती है, हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अब आ रहे होंगे। पतति पतत्रे विचलति पत्रे शंकित भवदुपयानम रचयति शयनम सचकित नयनम पश्यति तव पंथानम। तो प्रेमी उसी को सुनता है, बोलता है तो उसी का नाम बोलता है, उसी के गुणानुवाद का वर्णन करता है। आत्मा राम महामुनिन्द्र अमर आत्मा परमहंस, ब्रह्मानुभूति होने के अनंतर भी बोलते हैं तो बात उसी की, स्वयं निर्गुण ब्रह्म से एक, और वर्णन करते हैं सगुण का। वेद 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 स्तुति में आया सगुण गीत परंपरा, निर्गुण में निष्ठावान है और सगुण गीत परंपरा, सगुण गीत परंपरा का उच्चारण करते हैं। सुखदेव जी ने कहा परिनिष्ठितो पि निर्गुणी उत्तम श्लोक वार्तया गृहित चेता, मैं निर्गुण में निष्ठावान हूँ, बात बिल्कुल दो टूक, प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ब्रह्म तत्व का हमें बोध है, हम जानते हैं कि आत्मा और ब्रह्म एक है, परिनिष्ठितो पि निर्गुणी, हमारी यही निष्ठा है। लेकिन उत्तम श्लोक वार्तया गृहित चेता, उत्तम श्लोक श्याम सुंदर की श्री कृष्ण की लीला ने हमारे चित्त को पकड़ लिया, इसलिए आख्यानम यदधीतवान, बोले ये नया काम किया तुमने, ब्रह्मनिष्ठ तो शांत होता है, नया काम किया, बोले नहीं नहीं, प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, नैर्गुण्य स्था प्रायेण मुनयो राजन, प्राय बड़े बड़े जो ऋषि मुनि है, निवृत्ता विधिषेधता, जो विधि और निषेध से ऊपर उठ गए, निवृत्त हो गए, जिनके लिए न शास्त्र में कोई विधि है न कोई निषेध है, निस्त्रय गुणीय पथि विचरताम, वो विधि वो निषेधा, उनके लिए कोई विधि नहीं कोई निषेध नहीं। बोले कहाँ है विधि बाबा की भक्ति करो, बोले कहाँ है निषेध की भक्ति मत करो, है ना? अरे विधि कर्ता के लिए होती है, निषेध भी कर्ता के लिए होता है, है? जिसने कर्ता को ही आग में भून के है? जिसने कर्ता को ही आग में भून के और उसकी राख बना करके है? और लपेट ली अपने शरीर में, उसके लिए कौन कहे कि ये मत करो, है ना? तो प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेधता नैर्गुणी स्थारमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, निर्गुण में निष्ठावान होकर के गुणानुकथने, स्वयं निर्गुण
स्वयं निर्गुण है, बोले हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, न सत्व है न रज है न तन है, न प्रकृति है न प्राकृत है, कुछ नहीं, न माया है न माया का विलास है, माया माया कथम तात छाया छाया न विद्यते, माया माया की क्या बात करते हो, हमारे अंदर माया की छाया भी नहीं है, जगत हो तो उसके कारण के रूप में माया भी हो, परंतु जहां संसार नहीं जगत नहीं वहां माया निगोड़ी कहां से आई, ये ब्रज की गाली है, निगोड़ी ये ब्रज में गाली देते हैं, माया निगोड़ी कहां से आई, तो माया माया कथम तातो छाया छाया ने विद्यते, अपने निर्गुण स्वरूप में माया छाया कुछ नहीं, लेकिन फिर भी निर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरे, फिर भी भगवान के गुणानुवाद के अनुकथन में, मैंने जैसे गोस्वामी जी ने कहा ना, मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई ते ही मग चलत सुगम मुहि भाई, अनुकथन का अर्थ है जैसे प्राचीन महात्माओं ने वर्णन किया है उसी रीति से वे भी वर्णन करते हैं, भाई ये परंपरा है ये वर्णन की रीति है, तो तदेव भाषयति तदेव चिंतयति, तो अब इसको यो कर दो, तत्प्राप्य तमेव अवलोकयति तमेव श्रृणोति तमेव भाषयति तमेव चिंतयति, ये सूत्र का दूसरा पाठ जो प्राप्त होता है वो इस ढंग का है, तो अब तमेव चिंतयति, मैं कल बताया कि चिंतन जो है ये अंतकरण, चिंतन का करण भी तो होता है ना, करण के द्वारा चिंतन होता है, करण माने औजार, वो करण जो है वो चार रूप में है, संकल्प रूप में, विकल्प रूप में, निश्चय रूप में और अभिमान रूप में, तो उस भक्त के जीवन में चारों बात, उस प्रेमी के जीवन में चारों बात, वो संकल्प करता है भगवान के बारे में, विकल्प करता है भगवान के बारे में, निश्चय करता है भगवान के बारे में, और अभिमान भी करता है तो भगवान के बारे में, अस अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, उन्हें अच्छी अच्छी जगह पर भगवान का दर्शन करना ना, ये ख्याल नहीं करना हो स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, स्वर्ग में भी नरक में भी और अपवर्ग में भी मोक्ष में भी जहां तहां दीख धरे धनुबाना, मोक्ष दशा में भी वही धनुर्धारी राम, स्वर्ग में भी वही धनुर्धारी राम, बोले नरक में तो नहीं ना, बोले नहीं नरक में भी वही धनुर्धारी राम, सीताराम सीताराम, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो नरक रहेगा, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो स्वर्ग रहेगा, जहाँ धनुर्धारी राम का दर्शन होगा वो अपवर्ग रहेगा क्या, अपवर्ग भी नहीं हो, अपवर्जनम अपवर्ग होता है, जहाँ सबका निषेध हो अपवर्जनम अपवर्ग, सबका अपवर्जन जहाँ हो जाए निषेध हो जाए वो अपवर्ग, अथवा जहाँ वर्ग न हो अपगतो वर्ग, यस्मात जिसमें वर्ग भेद नहीं है, अथवा नास्ति पवर्गो यत्र, जहां पाप पुण्य फल बल बंध फल बंध भोग मोक्ष ये पवर्ग जहां नहीं है उसका नाम अपवर्ग, का भाई वहां अपवर्ग में जहां कैवल्य है कैवल्य ही कैवल्य, वहां काम को तो उस कैवल्य में धनुर्धारी राम ही दिख रहे हैं, अरे कैवल्य तो भाई छिप गया धनुर्धारी राम प्रकट हो गए, तो स्वर्ग में धनुर्धारी राम प्रकट हो रहे, बोले स्वर्ग छिप गए अप्सराएं गए इंद्र गए और कल्पवृक्ष गया और चिंतामणि गया वहां तो धनुर्धारी राम रह गए, तो बोले नरक में क्या, नरक में भी धनुर्धारी राम ही देख रहे, तो गया ना नरक है, अब कहां कुंभी पाक रो रो कहां से होगा, वहां तो धनुर्धारी राम है, तो स्वर्ग नरक अपवर्ग उड़ गया और धनुर्धारी राम रह गए, क्यों, क्यों उसने अपनी दृष्टि में धनुर्धारी राम को बसा लिया ना, धनुर्धारी राम को अपनी दृष्टि में बसा लिया, तो जहां हृदय ही रामाकार हो गया कृष्णाकार हो गया इष्ट देवाकार हो गया, तो वहां बाबा तदेव चिंतयति, केवल परमात्मा का श्रवण परमात्मा का दर्शन परमात्मा का भाषण और परमात्मा के संबंध में चिंतन, ये प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति में होता है। अब इसका रहने में देते विश्व मंदिर।
पात्र के हृदय में स्वयं प्रकट होता है। प्रियतम में गुण दृष्टि नहीं होती है, वो तो प्रियतम के प्रति प्रेम होता है। अमुक अमुक गुण होने से प्रेम है, वो दयालु है तो हमारा और निष्ठुर है तो हमारा। सम्यंग मसृणित स्वांतो ममत्वातिशयांकिता, दिल नरम हो जाए मक्खन की तरह कोमल और उसमें ममता की मुहर लग जाए कि ये मेरा। इसी से भक्त लोग कहते हैं कि बाबा हमको मालूम नहीं कि कृष्ण सुंदर हैं कि नहीं है, हम गुण देख करके प्रेम नहीं करते। असुंदर सुंदर से करोबा गुणैर विहीनो गुणिनाम वरोबा। श्री कृष्ण चाहे असुंदर हो और चाहे सुंदरों में शिरोमण, वो गुणों के खजाने हो या गुणों से रहित, द्वेषी मैस्या करुणाम बुधिर्वा, वे मुझसे द्वेष करते हो या मेरे ऊपर करुणा की वर्षा करते हो। कृष्ण सयेव आद्य गतिर ममास्तु, मेरी गति मेरे गंतव्य मेरे सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही है। आश्लिष्य माम पादरताम पिनष्टु वाप्य दर्शनान मर्महताम करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सेवना परा। माम पादरताम आश्लिष्य पिनष्टु, मुझ अपने चरणों की प्रेमिका को चाहे हृदय से लगाकर पीस दे अर्थात गाढ़ आलिंगन करे, अथवा अदर्शनान मर्महताम करो तो वा, कभी दर्शन न दे करके हमारे मर्म स्थान को घोर घोर पीड़ा पहुंचावे, तो मुझे मालूम है कि वो लंपट है। यथा तथा अदा करो तू, चाहे जैसा करे परंतु मत प्राण नाथस्तु सैव ना परहा, मेरे प्राणों का नाथ स्वामी सर्वस्व उनको रखने जिलाने मारने का स्वामी वही है दूसरा नहीं।
तो प्रियतम में तो गुण अवगुण की दृष्टि की परवाह नहीं, अपने हृदय में भोग की कामना नहीं, प्रतिक्षण बढ़ता हुआ, कभी न टूटने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर में रहने वाला, जन्म मरण प्रलय महाप्रलय में भी न टूटे, महाप्रलय के बाद सृष्टि होवे और उसमें भी जब हमारा अंतकरण अव्यक्त से व्यक्ति दशा को प्राप्त होवे तो उसमें फिर वही प्रेम अंकुरित होवे। सुषुप्ति के बाद जैसे आज प्रेम किया और रात को सो गए, तो ये तो नहीं है कि अब सो गए तो प्रेम मिट गया, दूसरे दिन न रहे, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसे जन्म जीवित रहे और मर गए, मरने के बाद फिर पैदा हुए तो प्रेम ना हो, ऐसा तो नहीं ना। ऐसे ही प्रेम जन्म जन्मांतर है। और फिर बोले प्रलय हुआ महाप्रलय हुआ उसके बाद सृष्टि हुई का उसके बाद प्रेम रहे कि न रहे, बोले वैसे ही रहे जैसा अब है। इतनी सूक्ष्म दशा में हमारा प्रेम पहुंच जाए कि प्राण भय कानमय, कान भय प्राणमय ही हमें न जानी पड़े कान है कि प्राण है, प्राण और कान की एकता संपन्न हो जाए, जेहि जो नि कर्म बस भ्रम ही, तेहि नाथ देहु यह हम ही, सेवक हम स्वामी सियनाहू, हो नाथ यही नाथ निबाहू। और अनुभव रूपम, किसी क्रिया से पता नहीं चले, ये नहीं कहना पड़े कि जब कहें कि प्रेम है तब है, दूसरे लोग कहें कि प्रेम है तब है, प्रियतम कहे कि प्रेम है कि है तब है, ऐसा कुछ नहीं। कोई उसमें प्रमाण पत्र की सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपना अनुभव है, अपना आत्मा है। और फिर तो सारी सृष्टि प्रेममयी प्रियतममयी हो जाती है, तत्प्राप्त तदेव अवलोकयति। तो ये तो प्रेम का बड़ा गंभीर, बड़ा मधुर गंभीर रूप है। ऐसा प्रेम हमारे जीवन में आवे ये थोड़ा कठिन मालूम पड़ता है। तो कई लोग जब कठिन बात सुनते हैं तो निराश हो जाते हैं कि हम मामूली जीव और इतनी ऊंची बात हमारे जीवन में कैसे आवे। एक बार मैं एक महात्मा के पास गया तो उन्होंने कुछ योग की प्रक्रिया बताई हो कि ये करो। अब मैं 18-19 बरस का था, मैंने उनसे कहा कि महाराज ये तो बहुत कठिन है, ये हमसे नहीं होगा। तो बोले कि ब्राह्मण तुम, पढ़े लिखे तुम, संध्या वंदन करने वाले तुम, जवान तुम, समझदार तुम, ईश्वर के रास्ते में चलने की इच्छा रखने वाले तुम, अगर तुम्हारे लिए ये कठिन है और तुम नहीं कर सकते तो अब क्या इस प्रक्रिया को पशु करेंगे। ये तुम्हारे लिए है, ये तुमको ही करने का है। जो बहादुर लोग होते हैं वो तो कठिनाई का जब कोई काम सामने देखते हैं तो उनको वो करने में और मजा आता है। मामूली काम तो सब लोग कर लेते हैं, हम तो वो काम करेंगे जिसमें कठिनाई है, जिसमें रुकावट है, जिसमें अड़चने हैं, वो काम करेंगे। जो जीवत वाले आदमी होते हैं वो जब एक बार निश्चय कर लेते हैं कि ये काम करना है तो उससे हटते नहीं है। वो श्लोक है ना, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, आरभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारभ्य चोक्तम गुणा न परित्यजन्ते। कई लोग तो डर के मारे अच्छा काम शुरू नहीं करते हैं।
अरे पता नहीं घर वाले क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, विघ्न पड़ेगा विघ्न। अरे बहुत छोटी किस्म के लोग हैं, नीच शब्द का प्रयोग है संस्कृत में, बहुत छोटी किस्म के लोग। और कई लोग ऐसे हैं, शुरू तो झट से कर देते हैं लेकिन जब कोई विघ्न पड़ता है तो छोड़ देते हैं। परंतु उत्तम श्रेणी के पुरुष वो हैं जिनके जीवन में कोटि कोटि विघ्न आवे, परंतु प्रारब्ध ये जो उत्तम गुणाः न परित्यजन्ति। उत्तम गुण वाले पुरुष एक बार जब किसी काम को प्रारंभ कर देते हैं तो विघ्न ही पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः क्रिया समभिहारेण, बार 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 विघ्न आने पर भी वो फिर उससे लौटते नहीं हैं। उनको तो विघ्नों का सामना करके आगे बढ़ने में मजा आता है। अब ये युक्ति की, अब इस रास्ते घूम गए, अब बाएं होके निकल गए, अब दाहिने होके निकल गए, हैं? सीताराम सीताराम बद्रीनाथ के रास्ते में पहले लोग जाते महात्मा लोग, तो कभी शेर मिल जाता हो तो लेट जाते सड़क पर, लेट जाते और सामने से शेर आया और उनके ऊपर पांव रखता हुआ आगे चला गया। शेर भी शरणागत को नहीं खाता है, कभी दाहिने घूम जाते हैं, कभी बाएं घूम जाते हैं, कभी लेट जाते हैं, कभी भाग जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे हट जाते हैं, लेकिन चलते हैं अपने रास्ते पर। तो जो लोग कठिनता से डर करके अपने रास्ते से चूक जाते हैं वो तो मर्दाने नहीं है। आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम मर्दानों का। मर्दानों से मतलब बहादुरों से है, वो ये नहीं समझना औरत मर्द का मतलब नहीं है। औरतें तो और दृढ़ होते हैं कभी कभी अपने रास्ते में, उनको रोकने वाले रोकते ही रह जाते हैं और वो तो अपनी निष्ठा में दृढ़ होते हैं। इसका स्त्री पुरुष शरीर से कोई संबंध नहीं। तो भक्ति के मार्ग में दृढ़ता जरूर चाहिए, फिर जो देखोगे कठोर भी सरल हो जाएगा। हाँ, जो बहुत गहरा है ना वो ऊपर आ जाएगा, छिछला आ जाएगा, छिछला हो जाएगा, गम जो गहराई में वो ऊपर आ जाएगा। हाँ, जो बहुत दूर है वो निकट हो जाएगा। भक्ति में इतना सामर्थ्य है कि निराकार ईश्वर को साकार बना दे, निर्गुण को सगुण बना दे, बड़े को छोटा बना दे, हैं? सबके बाप को बच्चा बना दे, अदृश्य को दृश्य बना दे, हैं? जो सबको वश में रखने वाला है उसको अपने वश में कर दे। भक्ति का सामर्थ्य अनंत है, इस पर चलना चाहिए। कठिनाई देख करके डरना नहीं चाहिए, लौटना नहीं चाहिए। ये चलने का मार्ग है, इस पर जो चलता है वही ईश्वर को प्राप्त करता है। और जो अपने जीवन में जोखिम उठाने को तैयार नहीं है, बोले अरे भाई 5,000 रुपया इस व्यापार में लगावे हैं और फिर पता नहीं क्या हो, तो रखे रहो 5,000 ही रहेंगे तुम्हारे घर में। और जो जोखिम उठा के उसको बाजार में फेंकेगा उसके 5 के 10 हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे और रखे रखे घटते जाएंगे। बोला अर्थ बोलते ही उसको है जो बहता रहे। एक तो अर्थ माने होता है संस्कृत में जिसको सब लोग चाहें, अर्थियते ही थे। और दूसरा अर्थ माने होता है यर्थ, जो बाजार में चलता रह करके तो सुरक्षित रहे और रखा रह करके नष्ट हो जाए, उसको अर्थ बोलते हैं। अर्थशास्त्र में अर्थकार के चलती हुई पूंजी बढ़ती है, रखी हुई पूंजी नहीं बढ़ती है। तो भाई चलो चलो चरई वेती अपने रास्ते पर चले चलो चले चलो चले चलो। बोले भाई बड़ी कठिन है,
तो चलने वाले के लिए कठिन नहीं है, आसान। मनुष्य के लिए कठिन और सरल क्या होता है? जो काम करने लगो आदत पड़ जाएगी, सरल हो जाएगा। देखते हैं बच्चे नन्हे नन्हे साइकिल पर बैठ करके वो दौड़ाते हैं महाराज, दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं, तो खतरे का काम, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठा लेते हैं और वो साइकिल दौड़ाए जा रहे हैं। और हमारे शरीर का कोई है मोटा, कोई गुजरातियों की भाषा में तो मोटा बहुत बढ़िया शब्द है, बड़ा है ना, हाँ हाँ, कोई मोटा मारवाड़ियों का मोटियार है, साइकिल पर बैठे और अभ्यास ना हो तो तत्काल गिर जाएगा, बोलेगा बड़ा कठिन है। ये भक्ति मार्ग करने वाले के लिए आसान है, चलने वाले के लिए आसान है। और जो मैं बौरी ढूंढन चली रही किनारे बैठ है, जब मैं ढूंढने चली भगवान को और किनारे बैठी रह गई, कैसे नहीं होता है भाई, इसमें तो एक पगली छलाक की भी जरूरत पड़ती है, एक पागल। देखो ना ईश्वर कहीं दूर थोड़े ही है, वो तो आंखों का जो तिल है ना काला, उसकी आड़ में बैठा हुआ है। केवल पुतली घुमाने की जरूरत है। तो ये बात बताई कि भक्ति को कठिन मत समझो, करो। तो बोले हमारे मन में तो अभी दुश्मन को मारने की इच्छा होती है, धन को पाने की इच्छा होती है, विषय भोग करने की इच्छा होती है, हैं? तो भक्ति कैसे करें? अरे हे भगवान, भक्ति अपनी ओर देख के नहीं होती है, नोट कर लो हो ये बात, दिल में नोट करने की है। भक्ति अपनी विशेषता देख करके नहीं की जाती है कि हमारे अंदर ये गुण है और हम भक्ति करेंगे, है ना। भक्ति भगवान के, भगवान की करुणा, भगवान की कृपा, भगवान के सद्गुण, उनके भक्त वात्सल्य को देख करके की जाती है। हैं हमारे अंदर हजारों दोष, है ना। तुम भगवान, तुम्हारे अंदर ये इच्छा होती है ना कि ये भगवान हमारे दुश्मन को मारो, ये होते है हमारा दुश्मन मर जाए, तो तुम दुश्मन को मारने खुद मत जाओ। तुम रोज देखो कि तुम्हारे सामने भगवान बड़े सुंदर मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ में बांसुरी लिए, ये बांसुरी वाला खड़ा है, उससे कहो कि हे भगवान हमारा दुश्मन मर जाए। आप बुरा नहीं मानो हो, एक गौणी भक्ति इसका नाम है, तामसी राजसी सात्विकी, गौणी त्रिधा गुण भेदात आर्तादि भेदात वा, गौणी भक्ति। बोले जब तुम देखो ना कि ना कि उसके होठ पर लाली है और दांत खिल रहे हैं और कपोल खिल रहे हैं और आंखों में अमृत है, भौहों में अनुग्रह है, एक बार ईश्वर के सामने जाओगे, दो बार जाओगे, तीन बार जाओगे, दुश्मन भूल जाएगा, ईश्वर ही रहेगा। अगर तुम्हें दुश्मन का नाश भी इष्ट हो तो ईश्वर के सामने जाओ, देखो वो गौणी भक्ति। गौणी भक्ति पहले ऐन्द्रियक सुख के रूप में परिणत हो जाएगी। हमको दुश्मन नहीं चाहिए, हमको तो मजा चाहिए, इसको देखने में मजा आता है, इसी को बोलते हैं तामसी भक्ति हुई। दुश्मन को मारने के लिए भगवान के दरबार में जाना तामसी भक्ति हुई, लेकिन उसमें फिर ये आवेगा, अरे इसको देखो कहां दुश्मन की, कहां दुश्मन की याद करते हो, इसको देखो, इसको देखो। तो ये हुआ। अब जब देखने लगोगे तो मन में आवेगा कि इसकी कुछ सेवा करो, सात्विक भक्ति हो जाएगी। जब सेवा करने लगोगे तो उसी के हो जाओगे, निर्गुण हो जाओगे। जब उसी के हो जाओगे, बिल्कुल उसी के हो जाओगे, तो निर्गुणा भक्ति का उदय हो जाएगा। इसलिए पूर्व भूमौ कृता भक्ति ही उत्तराम भूमि मानेत, पूर्व भूमिका में की हुई भक्ति उत्तर भूमिका में ले जाती है। थोड़ा सा उसकी ओर आगे बढ़ो,
और देखो आगे बढ़ाने का काम वो करेगा। भक्ति में यही सबसे बड़ी सुविधा और सुख की बात है कि अपने बलबूते पर अपने गुण पर ये संपन्न नहीं होती है। 200 की पिटारी लेके जाओ, 200 का खजाना लेकर जाओ, वो ऐसा मालिक है जो धीरे धीरे तुम्हारे सब दोष मिटा देगा और शुद्ध बनाकर अपने हृदय से लगाने योग्य बना लेगा। ये उसी का काम है, वो कृपा करके मनुष्य शरीर देता है, वो कृपा करके सत्संग देता है, वो कृपा करके भगवान नाम देता है, वो कृपा करके भगवत ध्यान देता है। जहाँ योगाभ्यास त्वम पदार्थ प्रधान है, वहाँ भक्ति तत्पदार्थ प्रधान है। बोला योगाभ्यास में त्वम पदार्थ की प्रधानता होती है, योगाभ्यास में तत्पदार्थ की प्रधानता होती है, भक्ति में तत्पदार्थ की प्रधानता होती है और अद्वैत वेदांत में त्वम पदार्थ और तत्पदार्थ दोनों में जो लक्ष्यार्थ है उसका उसकी एकता प्रधान होती है। लक्ष्यार्थ का ऐक्य प्रतिपादन करने के लिए वेदांत है, त्वम पदार्थ का शोधन करने के लिए धर्म और योग है, तत्पदार्थ का शोधन करने के लिए भक्ति है। तो भक्ति भगवान की प्रधानता से है, भगवान पर भरोसा करो, भगवान के रास्ते में चलो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे, तुम्हारा मंगल करेंगे। तो गौणी त्रिधा, अब वो भेदात का अर्थ हुआ, भले तमोगुण लेकर के चलो भगवान के सामने, नींद बहुत आती है, बोले हाँ आती तो है, कहा अच्छा सोते समय ये ख्याल करो कि मैं भगवान के चरणों में अपना सिर रख करके सो रहा हूं, सो जाओ, और जब नींद टूटे तब ख्याल करो कि मैं इतनी देर तक भगवान के चरणों में सिर रख के सोया रहा। ये देखो ये निद्रा तो तामसी है ना, ये तामसी निद्रा भगवत भक्ति बन जाएगी, भाव पवित्र हो जाएगा। तुम्हारे मन में विषय सेवन की इच्छा होवे, देखो भगवान तुम्हारे सामने खड़े हैं और दोनों हाथ में से जोराजर सोना गिरा रहे हैं, हीरा गिरा रहे हैं, मोती गिरा रहे हैं, तुम्हें भोग प्राप्त हो रहा है भगवान से, ये राजसी भक्ति है वो। और देखो तुरंत तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाए, भगवान दिखेंगे ना, विषय महिमा, भक्ति में विषय महिमना जीव का कल्याण होता है। भक्ति का विषय कौन है, तो भगवान है, भगवान के सामने एकाग्र करना है चित्त, भगवान में लगाओ, कृष्ण 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 कृष्ण, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री राम, जय जय राम, भगवान का नाम उच्चारण करो, नाचो गाओ हंसो रोओ है, गिर पड़ो है, लेकिन देखो यही भक्ति तुम्हारा कल्याण कर देगी। भक्ति का ये स्वभाव है कि जिसके हृदय में वो आती है उसका कल्याण उसका मंगल करती है। फिर बोले आर्तादि भेदाद्वा, तो ये गौणी भक्ति तो बड़ी सरल हुई, जो गुण तुम्हारे अंदर है उसी गुण के अनुसार भगवान का भजन करो। तुमको नाचना आता है, क्या आता है, अच्छा तब कमरा बंद कर लो और भगवान के सामने नाचो, तो भगवान मिलेंगे वो। एक महात्मा के पास एक सज्जन आए, बोले महाराज हमारे अंदर तो कोई गुण नहीं है, एक गुण है, क्या, बोले हम झूठ बोल सकते हैं, तो बराबर झूठ बोल सकते हैं, अच्छा है था। अच्छा तुम भगवान राम के दरबार में भाड़ बन जाओ, तुम अपने को ये सोचो कि भगवान को हंसाने के लिए, रिझाने के लिए, खिलाने के लिए जो राज दरबार में भाड़ आते हैं, काशी में पहले बहुत भाड़ होते थे, मुकुंदी भाड़ और फलाने भाड़ है, और राम दरबार में गए, रामचंद्र भगवान लगा के दरबार बैठे, बोले हम उनके सामने वो झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, बोलो मन में ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, ये झूठ बोला, अब रामचंद्र भगवान को आ गई हंसी, है ना,
हंस गए, उनकी बत्ती सी खिल गई, होठ खिल गए, आनंद आ गया। अब देखो कोई बाहर तो बोल नहीं रहे हैं, बिना जबान से बोले पाप तो होता नहीं, और भगवान के सामने बोल रहे हैं, भगवान का आकार हृदय में आ गया, झूठ तो छूट गया, भगवान से प्रेम हो गया, भगवान की भक्ति हो गई। तो ये भगवान की भक्ति नीच से नीच को, अंति योनि अधिक क्रियते, अंति योनि वाला भी इसमें अधिकृत है, मूर्ख भी इसमें अधिकृत है, दोषी दुर्गुणी भी इसमें अधिकृत है। इसमें समाधि सत संपत्ति की कोई जरूरत नहीं है, पहले से विवेक वैराग्य करने की जरूरत नहीं है। जब भक्ति आती है तो विवेक भी उसके पीछे पीछे आता है, वैराग्य भी उसके पीछे पीछे आता है, समाधि सत संपत्ति भी उसके पीछे पीछे आती है। सदगुण तो भक्ति के पीछे पीछे चलते हैं, और ज्ञान कैसे चलता है ना, ज्ञान ऐसे चलता है कि पहले उसके मुसाहिब आ जाए, विवेक आ जाए, वैराग्य आ जाए, समाधि सत संपत्ति आ जाए, रास्ता साफ हो जाए, उसके रहने के लिए तंबू लग जाए, बड़ी स्वच्छता बड़ी सफाई हो, तब ज्ञान आता है। और भक्ति स्वयं कृपालु वत्सल, जैसे बच्चा कितनी गंदगी में पड़ा हो, गंदा हो, कपड़े गंदे हो, बाल गंदे हो, और माँ जब बच्चे को उठाकर गोद में लेती है, उसके शरीर को स्वच्छ बनाती है, स्वच्छ बाल स्वच्छ करती है, स्वच्छ कपड़े पहनाती है, और खूब सवार के सिंगार के जेवर पहना के और उठा के दूध पिला के खुश करके हृष्ट पुष्ट करके और अपने पति के गोद में दे देती है, तो देखो देखो ये तुम्हारा बालक, ऐसा भक्ति ऐसा करते है। तो आर्तादि भेदादवा, इसमें आगे सूत्र है, उत्तरस्मात उत्तरस्मात पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति, ये सूत्र है पुराने, तो इसको पाणिनीय व्याकरण की कसौटी पर नहीं कसा जाता है। तो उत्तरस्मात उत्तरस्मात पूर्व पूर्वा श्रेयाय भवति, उत्तर उत्तर भक्ति के क्रम से, भक्ति का जो उत्तरोत्तर क्रम है उसकी अपेक्षा पूर्व पूर्व क्रम जो है वो श्रेयसे माने श्रेयस्कारी होता है, श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। इसका अभिप्राय क्या है, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तो ज्ञानी की भक्ति तो निर्गुण भक्ति है। अब जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी है उसमें ये क्रम बताते हैं कि जो धन के लिए भगवान का भजन करते हैं वो तो निम्न कोटि के हैं, जो ज्ञान के लिए करते हैं का सो भी आर्त, आर्त माने संसार के दुख से दुखी हो करके हृदय विह्वल हुआ और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु हमको संसार सागर से बचाओ, हमारी रक्षा करो, यहां से निकालो। तो आर्त भक्ति करोगे तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर अपने आप दूसरी भूमिका आएगी। हमारे एक साई थे वृंदावन में, उन्होंने इस प्रसंग का बड़ा सुंदर अर्थ बताया हो, वो बोले कि देखो जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो गोपियां पहला काम करती है त्याग, त्याग है ना, अर्थ का, धर्म का, भोग का, शरीर का, शरीर सुख का, श्रृंगार का, सब का त्याग करके कृष्ण के पास जाते हैं। जब चलती है तब पड़ती है रुकावट, तो वो रुकावट को नहीं मानते, आगे बढ़ते हैं। जब कृष्ण के पास जाती है तो स्वयं वही रोकते हैं, पर उनके रोकने को भी नहीं मानती है, आर्त हो जाते हैं। कृत्वा मुखा नियव सुचस्व सनेन सुष्यद बिंबाधराणि चरणेन भुवम लिखंत्या, आर्त हुई तो भगवान हंस गए, हंस गए तो रास हुआ, रास हुआ तो अभिमान आ गया, अभिमान आ गया तो भगवान अंतर्धान हो गए, तो फिर आर्त हो गए, है ना। तो ये आर्त भक्ति है, जब जब भगवान का विरह हो गए तो उनके विरह में जो व्याकुलता मालूम पड़ती है ये आर्त की भक्ति है। अच्छा, अब उसके बाद दूसरी भक्ति कौन है,
कब भगवान को ढूंढने की, पेड़ के पास जाके पूछना, लता के पास जाके पूछना, हरिन के पास जाके पूछना, सारे वृंदावन में घूम घूम करके भगवान की तलाश करना, ये क्या है? जिज्ञासु भक्ति है ना। और उसके बाद का उसके बाद जो बैठ करके गोपी गीत का जो गाना है वो अर्थ माने श्री कृष्ण, परमार्थ भगवान श्री कृष्ण, उनकी प्राप्ति के लिए उनको पुकारना, ये अर्थार्थी भक्ति है। ढूंढना जिज्ञासु भक्ति है और उनकी प्राप्ति के लिए उनको पुकारना, ये अर्थार्थी भक्ति है। और जब मिल गए भगवान और मिलने पर प्रेम संबंधी तत्व का उपदेश किया तो गोपियां प्रेम तत्व ज्ञानी हो गई और कृष्ण भगवान के साथ उनका रास हुआ। ये रास क्या है? बोले ये ज्ञानी भक्ति है। संयोग, संयोग में जब मालूम पड़ रहा है कि ये है कृष्ण, तो ये ज्ञान है। तो चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति नोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। इस तरह से वो इस प्रसंग की व्याख्या करते हैं। लेकिन आप देखो, भक्ति और सब रास्तों की अपेक्षा सुगम है। अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तौ कहउ भगति पथ कौन प्रयासा, जोगन जप तप मख उपवासा, सरल सुभावन मन कठिनाई, यथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास कहा इनर आशा, करहित कहउ कहा विश्वासा। योग में आसन प्राणायाम आदि करना पड़ता है, बड़ा कठिन है। ज्ञान में वैराग योग कठिन उद्धव हम न करब हो, गोपियां कहती थी वैराग योग बड़ा कठिन हम नहीं करेंगे। ज्ञान में घटाकाश मठाकाश महाकाश उपाधि उपहेत अध्यस्त अधिष्ठान अवच्छेद का अवच्छिन्न बिंब प्रतिबिंब आदि ऐसी ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं महाराज कि सुन करके शुरू शुरू का जो साधक है वो तो घबरा ही जाए कि ये क्या अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रकार का निरूपित। एक मील लंबा विशेषण विशिष्ट वाक्य का जो प्रयोग किया, घबराए महाराज, घबराए, बड़ा कठिन, बड़ा कठिन। तो अन्यस्मात् सौलभ्यम भक्तो, यहाँ तो बस भगवान का नाम लो और कुछ ना आता हो, ना पढ़ना ना आता हो, लिखना ना आता हो, बोलना ना आता हो, सेवा ना आती हो, भगवान का नाम प्रारंभ कर दो, कृष्णा 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 कृष्णा, हाँ ये तो आता है ना, और कुछ नहीं आता। तो नाम तो आता है ना, और नाम के अधीन नामी है, नाम के अधीन रूप है। भगवान का नाम लो और देखो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कुछ ना आता हो, बोलना भी ना आता हो तो जाके बैठ के सुनो। श्रवण भी भक्ति है, कीर्तन भी भक्ति है, स्मरण भी भक्ति है, और ये भक्ति हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा कल्याण हो जाए। महाराज आप लोगों ने बड़ा अनुग्रह किया, महीने भर तक नारद भक्ति सूत्र की चर्चा में आप लोग सहयोग नहीं देते, आके बैठते नहीं, प्रेम से सुनते नहीं, यहाँ के प्रबंध करने वाले लोग इसका प्रबंध नहीं करते। और सबसे बड़ी तो समझो हमारे पिता के समान पूजनीय स्वामी श्री गंगेश्वरानंद जी महाराज की कृपा, उनका अनुग्रह, उनकी प्रेरणा, और हमारे व्याकरणाचार्य जी देखो ये बैठे, स्वामी श्री ओंकारानंद जी महाराज, इन लोगों के अनुग्रह से, इनकी कृपा से ये संयोग बना, यहाँ के लोगों ने प्रबंध किया और आप लोगों ने वर्षा में भीगते हुए हैं यहाँ आके बढ़िया बढ़िया गद्दे पर बैठने वाले लोग नीचे बैठ करके हो, है ना, जो घर में रहते तो इतनी देर में कई बार मुंह चला लेते। अभी घर में जो लोग बैठे ठाले रहते हैं ना, वो कहीं इधर से कोई चीज उठा के मुंह में डाली, कहीं उधर से कोई चीज डाली उठा के, कितनी चीजें खा लेते, कहीं वो किताब उल्टी, कहीं वो तस्वीर उल्टी, कहीं यहाँ की चीज वहां रखी, कितने काम कर लेते। बैठा बनिया क्या करे, कहीं इस कोटे का दान उस कोटे करे, है ना। तो कितना काम अब तक घर में ये कर चुके होते और कितना खा चुके होते, कितनी बार चाय पीते, कैसे बढ़िया गद्दा पर बैठे, वो सब छोड़ करके, त्याग करके, थोड़ा कमाई का काम छोड़ करके,
थोड़ा भोग का काम छोड़ करके और सिनेमा क्लब का मनोरंजन छोड़ करके, अरे भाई धन्यवाद देने योग्य है सचमुच। हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते जितना तुम लोग करते हो। ये सब छोड़ करके श्रद्धा पूर्वक आए करके धरती में नीचे बैठे, बड़े से छोटे बने हैं, और छोटे बन करके इसके लिए उत्साहित किया कि हम भक्ति की बात सुनावे और तुम सुनो। तो असल में श्रोता नहीं हुए तो बच्चा क्या करे, पेड़ को थोड़े सुनावे हैं, खंभे को कथा नहीं सुनाई जाती। उष्ट्रम दांतम दलि गर्दन गुरु कस्मान नमोचे, जो वासिष्ठ में है कि ये गुरु लोग बहुत बनते हैं ना, है ना, कि गुरु बना, गुरु मुक्त कर दे, गुरु मुक्त कर दे। बोले ऊंट को क्यों नहीं मुक्त करते फिर ये लोग, है ना, बैल को क्यों नहीं करते। आखिर इनको भी तो भक्त चाहिए, जिज्ञासु चाहिए, श्रद्धालु चाहिए, कोई मिले तब तो उसका कल्याण करे, है, ऊंट का कल्याण क्यों नहीं करते। तो भाई असल में श्रोता की योग्यता जो है वही वक्ता को प्रेरणा देती है। दियो योना प्रचोदयात, श्रोता के रूप में ईश्वर ही आता है और वक्ता की बुद्धि को तत्व निरूपण के लिए प्रेरित करता है। आप सब भगवान के स्वरूप हैं, तो यत् कृतम् यत् करिष्यामि तत् सर्वं न मया कृतम् त्वया कृतम् तु फलभुक् त्वमेव मधुसूदन। ओम शांति।